up guys, this is Guru Man. Well, आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ क्या डिफरेंस है दो तरह का जो दूध है इंडियन मार्केट के अंदर, भैंस का या गाय का, कौन सा दूध बेस्ट है, बफलो और काओ, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि अगर आपको मालूम होना चाहिए कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो है, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ दो, कुछ और कंट्री को छोड़ दो, वहाँ ज्यादा काओ मिल्क का इस्तेमाल होता है, गाय के दूध का इस्तेमाल ज्यादा कंट्रीज में होता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ एक दो कंट्रीज और है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भैंस के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, बफलो मिल्क बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट अगर गांव में जाएं तो आप हर गांव में, हर लगभग हर घर के अंदर भैंस ज्यादा होगी और गाय एक होगी। दिस इज समथिंग यू नो नंबर शायद जो मैंने भी देखे हैं, शायद आपको भी मालूम है कि एक गाय या दो गाय होगी, मोस्टली भैंस ज्यादा होता है और जो तबेला है ज्यादा, भैंसों का तबेला ज्यादा है। तो बेसिकली बफलो मिल्क जो ज्यादा इंडियन मार्केट के अंदर पाया जाता है, दुकानों पर, स्टोर में, घरों में, घर के फ्रिज के अंदर, ऑल बफलो मिल्क। और काओ मिल्क बहुत पॉपुलर हो चुका है इंडिया के अंदर, हालांकि काओ को पूजा जाता है इंडिया में, डेफिनेटली काओ का मिल्क का बहुत फायदा है लोग बता रहे हैं। तो मैं कवर करूंगा क्विकली क्या डिफरेंस होगा काओ और बफलो मिल्क का दोनों में से, और आप चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू गाइस लुकिंग फॉर। पहले गाइस मैं बताऊं, दूध जो है, डेयरी प्रोडक्ट जो है, आपको ऑलरेडी मालूम है इसके प्लस क्या है, माइनस क्या है। दूध के अंदर प्रोटीन है, दूध के अंदर कैल्शियम है, विटामिन डी है, जो बहुत ही जरूरी है, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप अडल्ट हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, सो इट्स फॉर ह्यूमन बीइंग, दूध बहुत ही जरूरी है। अब दूध भैंस के दूध से आ रहा है या गाय के दूध से आ रहा है, ये सेपरेट थिंग है। दूध आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है कि अगर आप बफलो का मिल्क पीते हैं, भैंस का मिल्क पीते हैं और आप ओवरवेट हैं, अब आप गाय का दूध शुरू कर दो और आप फिट हो जाएंगे, ऐसा कुछ जादू नहीं है बाय द वे, यू नो वो आपकी न्यूट्रिशन ठीक करनी पड़ेगी, अकेला दूध ठीक करके सब कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन हमारे टॉपिक सिर्फ दूध के ऊपर है तो हम फोकस करेंगे दूध के ऊपर, मैं बाहर के टॉपिक को अंदर लाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि जब वेट लॉस की बात करते हैं, फैट लॉस की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, तो एक ही चीज मैटर नहीं करती, ओवरऑल डाइट मैटर करती है, आपकी फूड ओवरऑल मैटर करता है, इंक्लूडिंग हाउ योर लाइफस्टाइल इज। सबसे पहला डिफरेंस जो मेन इसके अंदर डिफरेंस की बात करें तो फैट की बात करूं मैं, आपको बताना चाहता हूं कि जो भैंस का दूध है, बफलो मिल्क है, उसके अंदर फैट एंड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। यस, सो इसके अंदर फैट एंड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसीलिए बफलो मिल्क जो भैंस का दूध है वो थोड़ा ज्यादा थिक होगा, थोड़ा हार्ड होगा। काओ मिल्क के अंदर जो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल कम है कंपेयर टू बफलो, इसीलिए ये दूध लाइट होता है। आपको मालूम है कि काओ का दूध पतला होगा कंपेयर टू भैंस का दूध, तो वो थिकनेस पर डिपेंड करता है। यहां से भैंस के दूध से बहुत लोग ज्यादा क्रीम, घी, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं जब दही मक्खन की, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीज बन सकती है क्योंकि फैट कंटेंट ज्यादा है और जो दूध है वो काफी थिक है, तो डेफिनेटली आगे का जो प्रोसेस है, लोग आगे फर्दर चीजें बनाते हैं, उसमें काफी फायदा होता है, और ये वही मार्केट के अंदर है। काओ के दूध के अंदर फैट कॉन्टेंट कम है, कोलेस्ट्रॉल कम है, ऑफकोर्स फैट कम है तो कैलोरीज कम होगी, राइट? तो यहां पर आपको काफी फर्क है। नाउ अगर फैट ज्यादा है, फैट को एलैबोरेट करता हूं थोड़ा सा, आपको मालूम है कि फैटी फूड जो होते हैं वो टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन में टाइम लगेगा, कितनी ज्यादा फैट है उसके अंदर उतना ही ज्यादा आपको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। तो अगर दूध का, जो भैंस का दूध है, बफलो मिल्क है, उसके अंदर फैट ज्यादा है तो क्या होगा, डाइजेशन में टाइम लगेगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, हो सकता है अनडाइजेस्टेड फूड और मिल्क क्या करता है, ब्लोटेड, गैस बनेगी स्टमक के अंदर, अनकंफर्टेबल होगे और ब्लोटनेस बनेगी, वो ठीक नहीं है, ब्लोटेड। अब काओ मिल्क क्या है, लाइटर है, फैट कम है इसके अंदर, तो इसका मतलब है इसकी डाइजेशन जो बफलो भैंस के दूध से ज्यादा होगी, सो काओ मिल्क की डाइजेशन अच्छी है कंपेयर टू बफलो। अभी आपको समझ आया क्यों डाइजेशन अच्छी है, क्योंकि इसका फैट कॉन्टेंट कम है, जितना फैट कम होगा डाइजेशन उतनी बेटर होगी, जितनी फैट ज्यादा होगी डाइजेशन कम होगी। तो जब आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के
बाद माँ का दूध पिलाया जाता है, मदर मिल्क फीड किया जाता है। उसके बाद अगर आप किसी से पूछें, घर वाले जो आपके सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, आपको बोलेंगे कि गाय का दूध का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि बच्चे को वो दूध जल्दी और इजी डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए वहां पर काऊ मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे को जो शुरुआत में फीड करते हैं दूध, उसके अंदर काऊ मिल्क का इस्तेमाल होता है ताकि अच्छी एब्जॉर्प्शन हो। और यहाँ ओल्ड एज में जब वो काफी बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ सर्टन एज में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता, तब आप यहां से स्विच करते हैं काऊ मिल्क के ऊपर और आपको वहां फायदा होता है डाइजेशन का। तो बहुत ही इनफेन आप बोल सकते हैं कि जो बच्चे शुरू की एज है या लास्ट की एज है बुजुर्ग की, वहां पर काफी ज्यादा काऊ मिल्क आपको काफी बेनिफिट होगा डाइजेशन में। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा है फैट कॉन्टेंट और कोलेस्ट्रॉल को लेकर। तो फैट कम है तो इसका मतलब कैलोरीज डिफरेंस भी होगी ऑफकोर्स। अगर 100 ग्राम आप दूध पीते हैं बफलो का, तो उसके अंदर लगभग 100 कैलोरीज है। सो 100 ग्राम के अंदर 100 कैलोरीज है। अगर कंपेयर किया जाए काउ मिल्क, तो 100 ग्राम के अंदर 70 कैलोरीज है। तो लगभग 30% कैलोरीज का डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप वेट कम करने जा रहे हैं, वेट लॉस आपका गोल है, फैट लॉस गोल है, आप थोड़ा ओवरवेट हैं, तो 30% कैलोरीज बिग डिफरेंस, 30% का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। अगर आपके बिजनेस के अंदर 30% प्रॉफिट हो जाए या नुकसान हो, तो आपको समझ आएगा कि 30% डिफरेंस बड़ा डिफरेंस है। तो बॉडी इज लाइक अ बैंक, योर बॉडी इज अ बिजनेस। 30% कैलोरीज कम होनी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डेफिनेटली कैलोरीज का डिफरेंस होगा। उसके साथ प्रोटीन की बात करते हैं, जो ऑलवेज सबको जानना चाहता है। प्रोटीन के बारे में बताएं भाई, इसके अंदर प्रोटीन क्या है? बफलो मिल्क जो भैंस का दूध है, उसके अंदर लगभग 10-15% के पास प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है कंपेयर टू काऊ मिल्क। यहां पर हम बात करते हैं, अगर काऊ मिल्क के अंदर 10 ग्राम प्रोटीन है, 10 ग्राम प्रोटीन है, तो बफलो मिल्क के अंदर लगभग 11.5 और 12 ग्राम प्रोटीन होगा अप्रॉक्सीमेट। सो 1-2 ग्राम का डिफरेंस है। अगेन 10-15% डिफरेंस ओवरऑल कैलकुलेट करें इज नॉट अ बैड नंबर। सो प्रोटीन कैलोरीज फैट का डिफरेंस है। बाकी आपके गोल्स के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं करता कि आपके गोल्स है स्विच करो, नो। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, तो आप इस दूध का इस्तेमाल कम करें, बफलो मिल्क की जगह काऊ मिल्क स्विच करें अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, काऊ मिल्क काफी आपको फायदा होगा इसके मामले में। अगेन 2 चॉइस आपके पास और है, फुल फैट मिल्क और स्लिम मिल्क, मतलब नो फैट मिल्क। अगर आपने यही दूध यूज करना है और आपके पास इसकी अवेलेबिलिटी कम है, नॉन फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। जब आप नॉन फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो कैलोरीज लेवल लगभग इक्वल हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑलमोस्ट, और प्रोटीन वही रहेगा, प्रोटीन में चेंज नहीं होती, सिर्फ फैट इंटेक कम होगी। फैट कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वो आपके लिए जरूरी है, कैलोरीज कम हो जाएगी। कैल्शियम की बात करते हैं, अगर कैल्शियम की बात करें, बोथ आर हाई इन कैल्शियम, दूध के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है। इसके अंदर हो सकता है कि 5-10% काओ से ज्यादा हो। सो दोनों के अंदर कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, जो मर्जी आप यूज करें अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। मैं दूध को लेकर इतना पिक नहीं करता हूं गाइस कि मुझे भैंस का दूध चाहिए या काओ का दूध चाहिए। जब तक आप फिट हो, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, यू डोंट नीड टू जस्ट पिक ऑन एनी, यू कैन जस्ट यू नो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सर्टन एज पर हैं, आप थोड़ा ओल्ड एज हो चुके हैं और आपको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आप स्विच कर सकते हैं और कोशिश करें स्लिम मिल्क, नॉन फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, जो बहुत ही जरूरी है। कितना दूध आप दिन में पी सकते हैं, अगेन ये डिपेंड करता है आपके एज, आपके एक्टिविटी लेवल पर, आपके ओवरऑल फिटनेस लेवल के ऊपर। आप लगभग दिन में एक ग्लास, मतलब 250 ml से लेकर ऑलमोस्ट 500 ml, 2 ग्लास तक पी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम में। अगर नॉन फैट मिल्क हो तो बेटर है, आपका सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का नंबर आपका बहुत कम होगा। अगर इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है तो उसका नंबर जितना आप कम पिए उतना बेटर है, क्योंकि यू डोंट नीड अ सैचुरेटेड फैट, टू हाई सैचुरेटेड फैट फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स। अगेन आपको मालूम है ज्यादा फैट भी आपके लिए ठीक नहीं है, ज्यादा सैचुरेटेड फैट उसके लिमिटेशन है। ओवरऑल नंबर मैटर करता है, आपके घर के अंदर तेल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, आपके घर के अंदर अगर हम मीट खा रहे हैं तो मीट होल मीट है, तो फैट आपको कहां कहां से आ रही है, सारा कुछ बैलेंस करने के बाद पता चलता है कि आपकी सैचुरेटेड फैट की इंटेक क्या है। सो ओवरऑल अगर इस वीडियो का निचोड़ ये है गाइस, कि आप पर डिपेंड करता है, कोई भी आप पिक करें,
डेफिनेटली अगर आप वेट लॉस जैसा आपका गोल है और आप सफर कर रहे हैं वेट और दूध आप छोड़ नहीं सकते, काओ मिल्क आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, इंक्लूडिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो फायदा होगा। बाकी अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है एंड यू आर ओके, देन बफलो मिल्क आपको नुकसान नहीं करेगा। ऑलराइट गाइस, दिस इज गुरुमान, आई लव यू ऑल, ओवर एंड आउट, बाय।